नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। बड़ी खबर की पहले बात करते हैं। शहर के मुख्य सड़कों और आम रास्तों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगे रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। इससे कभी भी दुर्घटनाएं घट सकती है। शहर में मुख्य सड़कों, स्टेशन रोड हुआ, पांचबत्ती, कॉलेज रोड, न्यायालय परिसर के बाहर सहित कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर भी आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। रात के समय मवेशी बीच सड़क पर बैठे रहते हैं, इससे दुर्घटनाएं भी होती है। शहरवासियों का यह भी कहना है कि कई बार परिषद प्रशासन को अवगत भी करवाया गया, परिषद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। साथ ही रास्ते में बैठे आवारा पशु सड़क पर गंदगी भी फैला रहे हैं, रात के समय दुकानों के बाहर बैठे भी रहते हैं। शहरवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से कई बार पशुओं को पकड़ने की मांग उठाई है। मालूम हो कि कई बार ये आवारा पशु बीच रास्ते में आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं, जिससे वहां के जो राहगीर वाहन चालक होते हैं उनको परेशानियां होती। कई बार पशु पैदल राहगीरों को अपने सिंगों से मारकर घायल कर देते हैं। मुख्य मार्ग पर बने डिवाइडरों के पास बैठे रहने वाले आवारा पशु कार चालकों के लिए परेशानी भी बन जाते हैं। नगर परिषद प्रशासन को चाहिए कि इन आवारा पशुओं को पकड़कर परिषद के कर्न हाउस में पहुंचाया जाए। इन्हें मालिकों, इनके जो मालिक हैं उनसे जुर्माना वसूला जाए। भविष्य में इन पशुओं को सड़कों पर नहीं छोड़ने के लिए पाबंद करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इससे पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है, वाहन मालिक जो राहगीर हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। हमारा सांड है, ये काफी दिनों से परेशान करते ही है। जैसे ये मेन हाईवे रोड है, यहाँ पर गाड़ी वगैरह वगैरह काफी बहुत जाम लगता है और ये यही गटर से हमेशा के लिए वरना नगर परिषद को काम कर रही है। नगर परिषद तो आप रिक्यूज करके गाड़ी बुलावे और गाड़ी में ये चीज को ले जावे। ये रोज कभी तो गाड़ी तीन गाड़ी वगैरह आजकल फोड़ दिए इन्होंने, और कल वो एक दो औरतें थी जो औरत को बेटी मार दी उनको, और यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, प्रशासन कोई काम नहीं करता।